दोस्तों आज की एक कहानी बनी है एक ऐसी औरत पे जिसे अपने से कम उम्र के आदमी से प्यार हो जाता है। तो क्या इन दोनों का प्यार शादी में बदलता है या दोनों एक दूसरे के साथ लेंगे सिर्फ मजा, जानेंगे हम आज की इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जेनिफर नाम की औरत को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जेनिफर के बारे में ये जान पाते हैं कि उसकी एक छोटी सी बेटी होती है और उसका डिवोर्स हो चुका होता है, जहाँ पे जेनिफर एक शो में डायरेक्टर का काम करती है और उसकी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग चल रही थी क्योंकि वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अकेली थी, उसे कोई भी अपने अलावा पसंद नहीं आता था। यहाँ पे वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में अकेले ही रहती थी। इधर जेनिफर की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, उसका शो भी काफी खराब जा रहा होता है, इसीलिए उसका डायरेक्टर काफी सारे कैरेक्टरों को चेंज करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो कि नए नए लोगों का ऑडिशन लेने लगती है, जहां पे उसे काफी सारे ऑडिशन देने के लिए आते हैं मगर जेनिफर को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आता है। तभी हम वहाँ पे एक रॉनी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि ऑडिशन देने के लिए आता है और उसका ऑडिशन जेनिफर को बहुत अच्छा लगता है और जेनिफर को रॉनी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो कि रॉनी के मिलने के बाद उसकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं, वो खुश रहने लगती है। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जब वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी एक मोटे लड़के के साथ फाइट कर रही होती है। वो लड़का उससे उसके फादर का नाम पूछता है और जबकि उसके फादर नहीं है इसी वजह से वो काफी ज्यादा बुली हो जाती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब हम रॉनी को देखते हैं जिसका फर्स्ट शो होता है, जहाँ पे वो फर्स्ट शो में काफी अच्छी एक्टिंग करता है और वो वहाँ के सभी क्रू मेंबर को काफी ज्यादा खुश कर लेता है। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो कि रॉनी के साथ दोस्ती बढ़ाने लगती है और उसके साथ एक जगह पे घूमने के लिए जाती है, जहाँ पे रॉनी उससे उसकी एज पूछता है, जहाँ पे जेनिफर उसे अपनी एज 30+ बताती है। इधर हम रॉनी को देखते हैं जो कि जेनिफर से भी झूठ बोलता है और वो ये कहता है कि उसकी एज भी 30+ है। मगर जब ये लोग पार्टी खत्म करके आते हैं तो हम जेनिफर और रॉनी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कार में बैठ के बात करते हैं और देखते ही देखते ये दोनों लोग आपस में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जहाँ पे ये सब कुछ होने के बाद हम रॉनी को देखते हैं जो कि अक्सर जेनिफर के घर पे जाने लगता है, जहाँ पे जेनिफर को रॉनी बहुत पसंद आता है और रॉनी के काफी अच्छे शो जाने के बाद रॉनी पॉपुलर होने लगता है। तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि रॉनी से मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है कि वो उसकी फैन है, जहाँ पे जेनिफर को उस लड़की को देख के काफी जेलस फील होता है क्योंकि वो रॉनी की एज की थी और दूसरी तरफ वो जेनिफर से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, जहाँ पे जेनिफर को ये शक होता है कि कहीं रॉनी उसकी तरफ ना चला जाए, मगर रॉनी ऐसा कुछ भी नहीं करता है और वो जेनिफर के साथ लॉयल रहता है। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो कि एक दिन अपने घर पे रॉनी से शादी के लिए बात करती है, जहां पे रॉनी बिना कुछ समझे उसे हाँ कह देता है और इन दोनों की मैरिज लाइफ भी सेटल हो जाती है। तो दोस्तों ये था एक एज गैप रिलेशनशिप मूवी का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।